हेलो माय डियर वंस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो अभी यूपी बोर्ड का 12th और 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है, तो जो बच्चे उसमें पास हैं उनके लिए वेल डन। और जो बच्चे, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी भी कारण से एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं, तो जो बच्चे पास हैं वो उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जो जिनको कोई ऐसी दिक्कत आ गई है, किसी भी वजह से फेल हो गए हैं, तो वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे थे अदर यूट्यूबर्स के चैनल पे, जो बहुत ही डिप्रेशन में आ चुके थे, मैसेज कर रहे थे कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम डिप्रेशन वाली मतलब स्थिति में पहुंच गए हैं, एकदम से शॉक लग जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो अभी तो वो बच्चे ही हैं, इतने मैच्योर नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ओवरकम फेलर, क्योंकि ये लाइफ ऐसी ही होती है, कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में हमको फेलर्स देखने ही पड़ जाते हैं। तो इतना दिमाग पर ना लें कि क्या करें क्या ना करें, इससे ओवरकम किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं एक टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे आप फेलियर से मतलब कि ओवरकम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, जब भी हमारी लाइफ में ऐसा कुछ इवेंट होता है या फिर फेलर या कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है जो डिस्टर्बिंग है, अनप्लेजेंट है और एक्सेप्टेबल है, यानी कि हमारा जो मन होता है कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और जब हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते तो हम उससे बाहर निकलने की कोशिश कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमको 3 चीज़ें पता होती हैं कि हमारा एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है और एक पास्ट होता है। तो अभी जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट की है, और धीरे धीरे जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो पास्ट बन जाएगी, और वो पास्ट की जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग कहीं ना कहीं हम अपने मन में ऐसे दबा के रख लेंगे जिसको हम हमेशा दुख के रूप में याद करेंगे आगे जाके, तो वो हमारे आगे के प्रेजेंट और आगे के फ्यूचर दोनों को डिस्टर्ब कर सकती है, और डेफिनेटली करेगी ही। इसलिए पहले तो ये सोचिए, पहले उस जो सिचुएशन आई है, जो ऐसा ख़राब इवेंट आपके साथ हुआ है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अभी ये हो चुका है, ठीक है, तो पहले उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को दूसरों से आइसोलेट कर लेंगे, खुद को अकेला कर लेंगे, और उसकी वजह से आपके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और इसका जो असर होगा आपकी पूरी आगे आने वाली लाइफ और उसको आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको कहीं ना कहीं स्पॉइल करेगी। तो सबसे पहले एक्सेप्ट द सिचुएशन जो भी आपके साथ हुआ है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप नंबर 2। इस स्टेप पर आकर आपको ये सोचना है कि अगर ये इवेंट आपके साथ नहीं हुआ था, उससे पहले की आपकी जो लाइफ थी वो कैसी थी। आप खुश थे, फैमिली के साथ टाइम बिता रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, फ्रेंड के साथ भी जा रहे थे, और अपने डेली के काम भी कर रहे थे जो भी आप करते हैं। और अब जब ये इवेंट हो चुका है तो आपका जो माइंड है वो किस तरीके से उस प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि सोच, एक सेकंड के लिए आप ये मत सोचिए कि ये आपके साथ हुआ है, आप ये सोचिए कि ये आपके साथ नहीं, आप
किसी और के साथ हुआ है, तब आप उससे, अगर वो आपके पास आता तो आप उससे क्या कहते, कैसे समझाते? आप उससे कहते कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएगा, अगली बार अच्छे नंबरों से आप ज़रूर पास होंगे, मेहनत कीजिए, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, वगैरह वगैरह आप उसको समझाते। तो इस वक्त यहाँ पर आपको खुद को रखिए और फिर खुद को ये समझाइए कि अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है, और अब आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाएगा। तो अब आप सोचिए कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में आया, मतलब आपने कुछ गलतियां की थी, या फिर आप घबराहट की वजह से एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर फैमिली में कुछ ऐसी ट्रेजेडी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए। अब आपको सोचना होगा कि आपसे जो भी गलती हुई है उसको कैसे सुधारना है, बस यही आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है। और अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पर, यानी कि फ्यूचर। तो अब आपके माइंड ने यहाँ पर आपके लिए सलूशन दे दिया है कि अब आपको क्या करना है, कौन सी गलतियाँ आपने करी थी, क्या आपको सुधारना है, ठीक है। इसके बाद जो है आप इन जो भी आपने सोचा है, जो गलतियाँ आपने की थी, उनको ओवरकम करेंगे, उन पर काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सोचना है कि ये सब प्रोसेस अपनाने के बाद जब आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल चुका है, आप उस पर काम करने वाले हैं, तो अब सोचिए कि अब आपको अपने फ्यूचर में क्या दिखाई देता है। डेफिनेटली आपको अपना फ्यूचर हैप्पी हैप्पी दिखाई देगा यहाँ पर। और अब आप सोचिए कि आपको आपकी प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो मिल चुका है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? डेफिनेटली आपको इस वक्त बहुत हैप्पी फील हो रहा होगा। और अगर आप यही आपका नाउ मोमेंट है, और अगर आपका नाउ मोमेंट खुशी से भरा हुआ है, तो आपका फ्यूचर मोमेंट तो डेफिनेटली खुशियों से भरा हुआ होगा। तो बस इस टेक्निक को यूज़ कीजिए और रिलैक्स हो जाएंगे यहाँ पर आप, क्योंकि आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन अब मिल चुका है। ऐसा अक्सर होता रहता है कि हम किसी प्रॉब्लम को पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बाद उसमें उलझे रह जाते हैं, ना ही उस प्रॉब्लम का सलूशन सोच पाते हैं और ना ही उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाते हैं, बल्कि एक मतलब एक बुरे मोमेंट को ऐसे हम अपने माइंड में सेव करके रख लेते हैं जो हमें आगे की लाइफ में हमेशा परेशान करता रहेगा। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, उसका सलूशन देखिए, उसके बाद उस पर काम कीजिए, और तब आप देखिए कि आपका जो आगे का लाइफ है वो कैसा होने वाला है। और हाँ, सिर्फ इस इवेंट में नहीं, आपके लाइफ के हर बुरे से बुरे इवेंट में आप इस टेक्निक को यूज़ कीजिए और उससे बाहर निकलिए, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई को कंटिन्यू ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फेलियर्स जो होता है वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में फ़ेल हुए हैं, और उस फेलियर से उन्होंने कुछ सीखा है और उसके सलूशन पर वर्क किया है, तब ही वो आज सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो इस चीज़ को इतना ओवरथिंक मत कीजिए, इससे बाहर निकलिए और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुश रहिए। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।